हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन कैलिस्थेनिक्स। आज हम आपके लिए एक और पुशअप की वेरिएशन लेके आए हैं जिसका नाम है द माइक टाइसन पुशअप्स। इस पुशअप का नाम जितना ज्यादा हैवी है उतनी ही ये ज्यादा इजी है, लिटरली बहुत इजी। अगर मैं आपसे कहूं कि एक पुशअप आपकी शोल्डर, आपकी चेस्ट, आपकी ट्राइसेप, आपकी लेग्स, आपकी कोर सबको एक्टिव रख सकती है सिर्फ एक रेपिटेशन में, तो क्या आप ऐसी पुशअप करना चाहोगे? मुझे पता है करना चाहोगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे प्रीरिक्विजिट की। प्रीरिक्विजिट इस पुशअप की वेरिएशन के लिए पुशअप। ऑब्वियसली अगर पुशअप नहीं आती होगी तो उस पर वेरिएशन कैसे करोगे, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। आई होप आपको पता है, ऑब्वियसली आपको पता है, ऐसी थोड़ी इंडियन के लिसनिंग के सब्सक्राइबर हो। ठीक है, अब बात करेंगे सबसे पहले कि इस पुशअप में करना क्या है। देखो, इस पुशअप में ना एक छोटा सा मोशन है जिसको आप विजुलाइज करने की कोशिश करोगे। उसमें क्या होता है, अगर आप सिंपल खड़े हो, आप बैठने वाली पोजिशन में आए, उसके बाद अपने हाथों को पूरा स्ट्रेच करा जितनी दूर तक हाथ जा सकते हैं आपके। उसके बाद एक तो मोशन हो सकता है कि आप सीधा जाओ, फिर पुशअप मारो, फिर ऊपर आओ, फिर सीधा वापस आओ। और दूसरा मोशन हो सकता है कि आप अपने हाथों के बीच में से जाओ और हाथों के बीच में से वापस आओ। जो हाथों के बीच में से आना जाना है ना, वही आपको यहाँ पे करना है। क्योंकि अगर आप रुक रुक के तीन स्टेप में कर रहे हो ना, तो पहली बात तो माइक टाइसन पुशअप नहीं बचेगी, और दूसरी बात वहाँ पे आप सिंपल चेस्ट ही ट्रेन कर रहे होगे। और जब सिंपल चेस्ट ही ट्रेन करनी होगी तो आप फिर सिंपल पुशअप प्रेफर करो ना इसके ऊपर। यही क्यों करना है आपको, सिंपल सी बात है। तो हाथ के बीच में से जाना है और बीच में से ही वापस आना है। यहाँ पे आपकी प्राइमरी मसल जो डोमिनेंस होगी वो होगी शोल्डर की। शोल्डर, ट्रैप्स, कोर, सब चीज़ों का दम लगेगा और तब जाके ये पुशअप आपकी होगी। तो अब बात करते हैं इस पुशअप के स्टेप्स की। देखो, इस पुशअप में कुछ भी नहीं है, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स है, साथ साथ करो। ठीक है, सिंपल खड़े हो, नीचे बैठ जाओ, जंप वाली पोजीशन में आ गए, कूल। उसके बाद हाथों को पूरा स्ट्रेच करा। अगर किसी के हाथ छोटे हैं तो वो थोड़ा और आगे तक चला जाए, कोई दिक्कत नहीं, ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। छोटे हो चाहे बड़े हो, आपके हैं। ठीक है, उसके बाद आपने हाथ सीधे करे और इस तरीके से अपने हाथों के बीच से हिप हल्के से उठेंगे। कोशिश करो ज्यादा मत उठा, क्योंकि अगर ज्यादा उठाने तो फिर पाइक पुशअप हो गए, वो अलग वेरिएशन है। अभी यहाँ पे हिप्स मिनिमम ऊपर रखने हैं। इस तरीके से हाथ के बीच से गए, वहां पे गए, उसके बाद पुशअप मारी और वहीं से वापस आए इसी तरीके से, सिंपल। इसमें और कोई स्टेप्स ही नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगी, कुछ नहीं, आपने साथ साथ कर ली होगी। आए हो, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो यू नो वेयर टू कम, DM करो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैसेज करो, आप मेरे घर पे कबूतर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे वैसे करो, लेकिन अपने डाउट्स क्लियर कर लो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना, नीचे कमेंट कर देना। और अब मैं चाहूंगा कि अब ये वीडियो चेक करो, फिर ये वीडियो चेक करो, फिर ये दोनों वीडियो चेक करो। अगली वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।